Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. आप स्ट्राइक के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? आप इन वर्कर्स को क्या अपना मैसेज देना चाहती हैं? कैसे सपोर्ट करती हैं? प्लीज दो शब्द, दो नहीं काफी बोल सकती हैं। काफी, मैं तो बोलना शुरू करूंगी तो बहुत बोलूंगी, लेकिन मैं सच में आज यहाँ पे इसलिए आई कि आप ये जो भूख हड़ताल पे बैठे हो ना, इसको खत्म करो, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दो मरे, तीन मरे, चार मरे, शूटिंग चलती रहेगी। मतलब बोला जाता है कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ, हम लोगों को, आर्टिस्ट को ये बोला जाता है, अगर हम बोलेंगे प्रोड्यूसर को कुछ, आप अपना देखो ना, आपको सब मिल रहा है ना, आप क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, सच्चाई है। और इसीलिए काफी आर्टिस्ट है, मैं बता रही हूँ आपको, जो बोलना चाहते हैं लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया जाता है बेसिकली। और क्या काम सबको कर? आज आप सब मेरे साउंड वाले भैया, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि साउंड हम माइक आगे पीछे करके बैलेंस कर लेंगे, आप प्लीज वहां से कुछ ना करें। हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं यहाँ जो सपोर्ट करने आए हैं, उनको अपनी बात को पूरी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। नेट चालू है। काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो बोलते हैं, जो बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स नहीं सुनते। और मेरा आर्टिस्टों के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्शन में आप शूटिंग मत बंद करो, आप करो, लेकिन आप प्रोड्यूसर से बात करो, आप सपोर्ट करो। मैं मेरे किस्से के बाद मैं शायद किसी टीवी आर्टिस्ट से बात नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं आज पर्सनली उनको जाके बोलती कि आप शूटिंग रोको, आप प्रोड्यूसर को बुलाओ और जो उनके हक है वो दे दो। हम लोगों को सब मिल जाता है टाइम आए तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी प्रोड्यूसर ने मुझे अभी पूछा, आ जाओ तुमको क्या चाहिए बोलो। मैंने कहा मुझे नहीं काम करना, नहीं करना, सिंपल सी बात है, और मेरा घर चल रहा है। और यही आप सब लोगों को बोलूंगी, कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन इन लोगों को पता चलेगा जब आज आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। आर्टिस्टों का स्ट्राइक नहीं है ना, सिंटा क्या करती है मुझको भी पता है, आपको भी पता है। सडनली पीछे हट गई और आर्टिस्टों को शूटिंग करने के लिए बोल रही है। लाइटिंग आर्टिस्टों को करने के लिए बोलो, वो करेंगे। आप सब निकल गए ना पासिंग, आप लोग इतना बड़ा काम करते हो, आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट मिलती है? कुछ नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ, आर्टिस्टों को बोलो ना कि वो भी पासिंग दे, सारे काम वही करेंगे। आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था मैं शो कर रही थी मायका इनके साथ, राजू जी के साथ, तो एक आर्टिस्ट दूसरी शूटिंग खत्म करके वहां पे आया, मुझे वो बोले लो अभी तो पैकअप होगा ही नहीं, आप जा रहे हैं, वो आर्टिस्ट आएंगे। तो मैंने कहा आर्टिस्टों को भी कमाना है, आप कल शो बंद हो जाएगा, आप लोगों को काम मिल जाएगा, आर्टिस्टों को नहीं मिलेगा, आप अपने लिए बोलो। और आज मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि आज आप अपने लिए बोल रहे हो तो मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए और सारे आर्टिस्ट को करना चाहिए, सारे आर्टिस्ट को एक्चुअली आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हो, ज्यादा नहीं मांग रहे हो। मतलब जेडी मजेठिया जैसा प्रोड्यूसर खिचड़ी बोल के हल्दी वाला चावल खिलाता है। रश्मि शर्मा, आज आप लोग यहाँ पे खड़े हो इसलिए मैं सलाम करती हूँ। रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस में लोग कैसे काम करते मुझे नहीं पता, इतना भयंकर प्रोडक्शन हाउस है, और ये बोला जाता है काम करना है तो करो नहीं तो निकलो। मुझे फोन आया वहां से काम के लिए, मैंने कहा मुझे रश्मि शर्मा प्रोडक्शन से फोन नहीं करना, मेरा फोन डिलीट कर देना, लिटरली ये मैंने बोला है, क्योंकि जिसका मैं खा रही हूँ उसको मैं गाली नहीं दे सकती। आज लोग वहाँ पे क्यों शूटिंग कर रहे हैं, किस लिए शूटिंग, क्योंकि आप लोगों के घर पे क्या ऐसे ही पैसे आ रहे हैं जो आप बैठे हो, तो बाकी क्या, बाकी जो काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों अपना काम क्यों नहीं छोड़ रहे वो? आप शिल्पा जी, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आपने सुशांत जी जो हैं सिंटा के जनरल सेक्रेटरी हैं, नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट, एक्चुअली ही इज़ रिलीज्ड अ वीडियो जिसमें उस वीडियो में उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं, उस कमेंट को, उस वीडियो को आपने वो वीडियो देखा है? नहीं। सुशांत जी का मैं चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएँ तो इवन दो इफ़ यू डोंट लाइक सिंटा, बट फॉर अस, मतलब ये हम वर्कर्स के लिए, उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उस चोर है। नहीं, देखिए जो भी है वो आपका
मैं पर्सनली उस वीडियो तक ही रहना चाहता हूँ। उस वीडियो में सुशांत जी ने क्लियर जो अपना मैसेज शुरू किया है उसमें ये कहा है कि जो फेडरेशन की मांगे हैं हमें उससे कोई इनकार नहीं है, वो सारी मांगे जायज़ हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि फेडरेशन हमारे पास स्ट्राइक अनाउंस करने के बाद आया, पहले उन्होंने हमसे कोई सुझाव नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने एक और दरवाज़ा अपना खुला छोड़ दिया कि अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट, मतलब अक्षय कुमार, सलमान, यू नो बच्चन, ऐसे कोई आए इस स्टेज पर, अगर इस हमारी मुहिम को, इस हमारे स्ट्राइक को सपोर्ट करेंगे तो फिर सिंटा सोच सकती है। तो आप अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अब आपका पर्सनल कमेंट। श्री सुशांत जी को बहुत अच्छी स्पीच देना आता है, इसीलिए वो सावधान इंडिया कर रहे हैं। और सिर्फ सावधान इंडिया में कैमरा के सामने बोला जाता है डरकर नहीं डटकर, बाकी अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि जो डटकर आवाज दे रहा है उसका तो मुंह बंद कर रहे हो। एक नंबर। मुझे आर्टिस्टों ने चुन के दिया कमिटी मेंबर, मुझे निकाल दिया क्योंकि डर गए, मुझे निकाल ही दिया, क्योंकि आज मैं वहां होती तो मैं आर्टिस्ट को सपोर्ट में मांगती कि आप इसको सपोर्ट करो, मुझे वहां पे खड़ा तक नहीं किया, यही तो बात है। तो और अभी सिंटा अलग हो गई क्योंकि वो नहीं हेल्प करेंगी, वो हेल्प वो प्रोड्यूसर के साथ है, वो 110% प्रोड्यूसर के साथ है। अगर वो प्रोड्यूसर के साथ नहीं होते तो आपको सपोर्ट करते, और करना चाहिए, और ये चीज सबके लिए है।